सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने। नमस्ते फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक कंपोजिशन वाली टेबलेट के बारे में, जिससे हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि पल्मो क्लियर टेबलेट, एवी वेज टेबलेट, ब्रो क्लियर टेबलेट, म्यूकी नेक एवी टेबलेट एवं एवी फ्लो एन टेबलेट हैं। तो ये चार पांच इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वह आपका पल्मो क्लियर है, जिसकी जो मूल कंपोजिशन होती है वह आपका एसिब्रोफाइलिन जो कि 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में एवं एस्टिल सिस्टीन जो कि 600 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो अगर हम इस पल्मो क्लियर टेबलेट के यूजेज की बात करते हैं विस्तार से, तो इसका सबसे पहला प्रयोग आपको अस्थमा के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिनको अस्थमा की शिकायत है, जिस वजह से व्यक्ति की सांसें फूलती हो या फिर सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता हो, तब डॉक्टर द्वारा वहाँ पे यह एसिब्रोफाइलिन के कंपोजिशन में आने वाली टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं एवं पेशेंट के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जिनको COPD की शिकायत है, मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या फिर डिजीज की समस्या है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर द्वारा यह पल्मो क्लियर टेबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अगर हम एक सिंपल शब्दों में इसको यूज को देखते हैं, तो यदि व्यक्ति को किसी भी टाइप का समस्या है जिसमें व्यक्ति की मतलब व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होता हो या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तब डॉक्टर द्वारा यह पल्मो क्लियर टेबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है और पेशेंट के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यूजेज जान लेने के बाद अगर हम इस पल्मो क्लियर टेबलेट के साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट में व्यक्ति को नौजिया या वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, साथ ही साथ व्यक्ति के सीने में जलन हो सकता है, इसके अलावा व्यक्ति के स्टमक में पेन हो सकता है, स्टमक अपसेट सा दिख सकता है, व्यक्ति के पूरे बॉडी पे खुजली सा चल सकता है, व्यक्ति के नाक में सूजन आ सकता है एवं व्यक्ति के बॉडी में जो WBC है मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स है उसकी संख्या इंक्रीज हो सकती है। तो इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है, बट हो सकता है इसके अलावा भी कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिले, तो आप फर्दर इस पल्मो क्लियर टेबलेट का प्रयोग लेना बंद करें एवं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि जो डॉक्टर है वह जल्द से जल्द आपको अच्छी से अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। अगर हम वीडियो में इस पल्मो क्लियर टेबलेट के डोज की बात करते हैं, तो इसकी जो कॉमन डोज होती है एक एडल्ट पेशेंट के लिए वह आपका 1 टेबलेट दिन में एक बार या फिर ज़्यादा जरूरत पड़ने पे दिन में 2 बार खाना खाने के बाद प्रयोग में लेने की सलाह दी जाती है। तो पेशेंट के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है लेने की वह आपके कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे नॉर्मली से 7 डेज, 15 डेज या फिर नीड है तो 1 मंथ तक भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम वीडियो के लास्ट में सीख लेते हैं दोस्तों इस पल्मो क्लियर टेबलेट के सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में। तो सेफ्टी एडवाइसेस में तो आप सबसे पहले यही ध्यान रखें कि आप इसका प्रयोग OTC के रूप में ना करें। इसके अलावा जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलने जाते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को अपने पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एवं प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि जो डॉक्टर है वो अच्छी से अच्छी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने आपको संपूर्ण डिटेल्स बताई है इस पल्मो क्लियर टेबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप थे अपने दोस्त किशन के साथ, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।